भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नौराधार आईटीआई पिछले 11 सालों से लगातार युवाओं के भविष्य को दिशा देने का कार्य कर रही है। संस्थान में 3 कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रिशियन 2 वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2 वर्ष और कोपा 1 वर्ष शामिल है। खेलकूद, भ्रमण व अन्य प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराई जाती हैं। ये संस्थान कौशल विकास भत्ता स्कीम के अंतर्गत अधिकृत है। संस्थान में प्रशिक्षित युवा सरकारी नामी कंपनियों में सेवाएं दे रहे हैं। समय समय पर संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। कांग्रेस के भारत बंद करने के आह्वान पर पांवटा साहिब में भी कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पांवटा लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से रोष रैली निकाली गई, जो अस्पताल चौक से होते हुए वापस विश्राम गृह पहुंची। हालांकि इस दौरान बाजार बंद नहीं रहा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पांवटा अश्विनी शर्मा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य अनिंदर सिंह नोटी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने महंगाई बढ़ाकर आम जनता का जीना दुभर कर दिया है। भाजपा सरकार केवल अपने चहेतों को ही लाभ पहुंचा रही है। डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। मोदी सरकार भागे राशन पीगे तेल, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जो उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांवटा साहिब ने आज यहाँ रोष रैली प्रकट की, जो तेल की, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है, जो कि ये कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अडानी और अंबानी की कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मोदी सरकार कर रहे हैं। रसोई गैस की जो कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसको जो भ्रष्टाचार राफेल डील का है, जो 526 करोड़ का एक जहाज का सौदा यूपीए सरकार ने किया था, लगभग 1600 से ज़्यादा करोड़ का ये सौदा ये एनडीए सरकार ने किया है, ये सरासर एक भ्रष्टाचार है। इसके लिए कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और 21 अन्य पार्टियों ने जेपीसी बनाने की मांग की थी। ढंग से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस जनों ने जो आंदोलन और प्रदर्शन किया था, पुलिस प्रशासन ने प्रदेश सरकार के इशारे पे जोर जबरदस्ती से उसको रोकने की कोशिश की। हमारे जो आंदोलनकारी, हमारे संघर्ष में, इस जुलूस में जो लोग थे, जो शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बीच में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, जिसका हम पुरजोर खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार की किसी भी दमनकारी नीति से ना डरी है ना डरेगी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश मुंडेर की रिपोर्ट।